ये देखिए बस आ चुकी है और अब हम लोग टूर में आगे जाते हुए आपको मिलते हैं बस के अंदर से। वो पीछे आ रहा ना। हाँ ये देखिए हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट में जा रहे हैं, बस में बैठ चुके हैं, कुछ देर में बस चलेगी। चलिए पीछे चलते हैं अपनी सीट की ओर। ये है अपनी सीट। ये हरीश चंद है। खाना पीना खा के आए हैं आप कि नहीं आए? अरे खुद का खाया। ये बच्चे जाते हुए हम लोग आगे जाते हुए सफर का पूरा मजा सभी लोग लेते हुए और बस हमारी चल चुकी है बहुत ही जल्द। बस हमारी अब सिविल लाइन पहुंच चुकी है और अब हम लोग आगे जाते हुए हमें प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री जाना है, तो वहां पहुंचकर हम काफ़ी नए एक्सपीरियंस महसूस करेंगे कंपनी में कैसे काम होता है। ये देखिए उसके यहाँ जाना काफ़ी अच्छा पता चलेगा। ये देखिए हम लोग बस प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री के पास पहुँचते हुए, तो आप सीधे वहीं मिलते हैं। ये है हमारे पूरे बस का ओवरव्यू। टीचर्स बैठे हुए हैं, बच्चे पूरे मजे के साथ इंजॉय करते हुए और देखिए कितनी शांति के तरीके से अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये देख सकते हैं हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट लिमिटेड। तो आप रोड देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। पानी अभी अभी बरसा है पर मौसम बहुत सुहावना है। बच्चे सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और ये एक नया एक्सपीरियंस होगा इसलिए सब इंजॉय कर रहे हैं। हाँ आप सब वीडियो में आ रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर लोग भी सब हमारे साथ हैं। तो टोटल हमारी टीम 45 टू 46 लोगों की है जो कि यहाँ उन्हें मौका मिला है इंडस्ट्रियल विजिट में आने का। तो हम लोग आगे जाते हुए कुछ ही देर में, शायद कुछ ही किलोमीटर बचे हैं, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। फिर वहाँ आगे चलकर आपसे मिलते हैं कि कैसे वहाँ का है। आप ये रोड व्यू देख सकते हैं, हमारी बस काफ़ी तेज़ी के साथ प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री पहुँचती हुई। वहाँ हमें इंडस्ट्रियल विजिट पर हैं, यहाँ हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो आप देख सकते हैं हम लोगों को हेलमेट पहना दिया गया है, जिस जो कि फैक्ट्री का एक रूल है कि आप बिना हेलमेट पहने वहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हम सब लोगों ने हेलमेट पहन लिया है। बस अब हम आगे की ओर देखते हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हम उसे फॉलो करेंगे। तो ये देखिए आपको एक फैक्ट्री का ओवरव्यू देते हुए कि ये फैक्ट्री अंदर से कितनी खूबसूरत दिखती है। बाहर से आपको सिर्फ बहुत छोटी सी एक बिल्डिंग दिखेगी पर अंदर से काफ़ी विशाल यहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर व्यू आपको दिखाया जा रहा है इस फैक्ट्री का। तो अब आगे की ओर हम चलते हैं इस फैक्ट्री में और देखते हैं और क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। ये शायद रामपुर बघेलान में स्थित है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को यहाँ मिलेगा इस फैक्ट्री के अंदर। हम लोग आए हैं तो हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि जितनी भी यहाँ की प्रोसेस है हम उसे देखें और कोशिश करें कि वो कैसे की जा रही हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करें। तो हम मौका मिला है कि हम इस फैक्ट्री का टूर कर सकें, तो हम लोग सभी लोग टूर पर हैं। बारिश हो गई है इसके कारण थोड़ा कीचड़ है, पर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम टूर पर आए हैं तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम चीज़ों को अच्छे से विज़िट करें और नॉलेज प्राप्त करें वहाँ से कि ये कैसे मेन इतनी बड़ी फैक्ट्री वर्क करती है। तो हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है कि हम जहाँ भी जाएं अच्छे से उसको फॉलो करें। आप देख सकते हैं ये हम पूरा आपको टूर बस से दिखा रहे हैं, बस में हम सब बैठे हुए हैं और बाहर का आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, शायद सतना में इस दो तीन हैं उनमें से शायद ये सबसे बड़ी है। आगे की ओर हम चलते हुए अब देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि कैसे फैक्ट्री में, इतनी विशाल फैक्ट्री में काम किया जाता है। वैसे तो ये हम मेरा पहला कंपनी विजिट है कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी यहाँ मशीनें लगी हुई हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो हमने यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे पूछने की कोशिश की कि कैसे ये सब बड़ी बड़ी मशीनों में वर्क होता है और सीमेंट कैसे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है। तो उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया। और ख़ास बात इस टूर की ये रही कि हमें काफ़ी नई चीज़ें इनोवेट करने का मौका मिला। और फिर हमें लंच दिया गया जो हमें
हमने अच्छे तरीके से किया सभी लोगों ने, और उसके बाद एक फ़ाइनल विजिट कराई गई कैंपस की इनके पूरे। उसके बाद हम लोगों को एक मीटिंग हुई, आप देख सकते हैं जैसे ये यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, पर मैंने चुप्पे से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और कोशिश की कि आप लोगों का मीटिंग का ओवरव्यू दूँ कि हम लोगों की मीटिंग कैसे हुई। आप देख रहे हैं कैमरा थोड़ा कॉन्स्टेंट नहीं है, पर क्या किया जा सकता है, यहाँ अलाउ नहीं था तो मैंने तो भी कोशिश की कि आप लोगों को ओवरव्यू दूँ कि हमारी मीटिंग कैसे हुई उसके बाद। और यहीं हमें रिप्लेसमेंट मिला और हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो ये देखिए हम लोग फाइनली अपने बस से घर की तरफ रवाना है। ये एक यहाँ पास सभी लोग रुके थे नाश्ते के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। अंत में हम लोगों ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।